यातायात के नियम। हर्ष आज अपनी माँ के साथ बाजार जाना चाहता था। माँ के हाँ कहने पर वह तैयार हो गया। नटखट हर्ष हमेशा की तरह माँ का आंचल पकड़कर उछल कूद करते हुए जा रहा था। सड़क पर काफी चहल पहल थी। पुलिस वाले ने अंकल तीन लाइट के नीचे खड़े थे। एक दादाजी और कुछ लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे। हर्ष भी अपनी माँ के साथ सड़क पार कर रहा था कि तेजी से आती गाड़ी अचानक से रुक गई, जिसकी वजह से हर्ष बहुत डर गया और अपनी माँ के आंचल में छिप गया। हर्ष के डर को दूर करने के लिए माँ ने उसे दिखाते हुए कहा, देखो बेटा कुछ भी नहीं हुआ। रोता हुआ हर्ष को माँ ने चुप कराया। हर्ष का हाथ सड़क माँ उस पार ले गई और आइसक्रीम खिलाते हुए यातायात के नियमों के बारे में समझाने लगी। उन्होंने कहा, पैदल चलने वाले और गाड़ी चलाने वाले दोनों को सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे पहला, सड़क पर चलते हुए हमेशा बाई तरफ चलना चाहिए, यानी कि हमेशा हमें रोड पर चलते हुए लेफ्ट तरफ से चलना चाहिए। पैदल यात्री को सड़क पर चलने की बजाय फुटपाथ पर चलना चाहिए। सिग्नल पर जलती बत्तियों के अनुसार रुकना और चलना चाहिए। लाल बत्ती का अर्थ है रुकना, पीली बत्ती का अर्थ है गति धीमी करना। सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। यह सुनकर हर्ष का डर कम हो गया और उसने कहा, माँ आपने कितनी अच्छी सीख दी, अच्छी बातें बताई। अब मैं समझ गया कि हमें सड़क पार करते समय यातायात के नियम का पालन करना चाहिए। थैंक यू।